हेलो दोस्तों आज पढ़ते हैं डाटा बेस सिस्टम व्हाट इज़ डाटा बेस सिस्टम डाटा बेस सिस्टम डाटाबेस सिस्टम क्या होता है डाटा बेस सिस्टम क्या होता है डाटा बेस सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ द डाटा डाटा बेस सिस्टम क्या होता है इट इज़ इट इज़ द कलेक्शन ऑफ द डाटा ऑफ द डाटा डाटा बेस सिस्टम क्या है इट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा विच वी मैनेज विच वी मैनेज एक बहुत सारा कलेक्शन है डाटा का जो हम मैनेज करते हैं वो होता है डाटा बेस सिस्टम डाटा बेस सिस्टम दे आर डिवाइड द टू टाइप्स डाटा बेस डाटा बेस सिस्टम डाटा बेस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हुआ है वन इज डाटा डाटा बेस एक होता है डाटा बेस डाटा बेस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है डाटा बेस डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि डाटा बेस को मैनेज करता है मैनेजमेंट सिस्टम जो कि डाटा बेस को मैनेज करता है डाटा बेस को मैनेजमेंट में हेल्प करता है वो होता है डाटा मैनेजमेंट सिस्टम डी बी एम एस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम ये दो पार्ट में डिवाइड है वन इज द डाटा एंड सेकेंड वन इज द डाटा मैनेजमेंट सिस्टम जो कि डाटा को मैनेजमेंट में सिस्टम हेल्प करता है वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डाटा भी दो पार्ट में डिवाइड है डाटा वन इज द स्ट्रक्चर फॉर्मेट एक होता है स्ट्रक्चर फॉर्मेट स्ट्रक्चर फॉर्मेट और सेकेंड वन इज द अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट जो स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में ना हो और अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्या होते हैं जैसे हमारी हमारी बहुत सारे इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे हम क्या देते हैं जो आ, जो कि स्ट्रक्चर की, की फॉर्मेट हो जैसे किसी यूनिवर्सिटी की कॉलेज आईडी है कॉलेज की साइट है जैसे आ, किसी यूनिवर्सिटी किसी यूनिवर्सिटी की साइट होगी किसी कॉलेज की साइट होगी किसी कॉलेज की साइट होगी या किसी कंपनी की या बैंक की साइट होगी जहाँ पे हम किसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेट में देखते हैं डाटा अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट जैसे लिंक हो गया किसी साइट का लिंक हो गया वेब लिंक हो गया या किसी मूवी का लिंक हो गया या किसी सॉन्ग का लिंक हो गया वो अनइटक्टिव फॉर्मेट जिसमें हम स्ट्रक्चर को समझना पड़ सके कि वो किसी स्ट्रक्चर में ना रीड कर सके जैसे हैज एस टी पी पी एस टी टी पी एस डॉट हैज एम एस परसेंटेज एस ये हो गया अनस्ट्रक्चर जो कि अनस्ट्रक्चिव फॉर्मेट में हम इसे रीड ना कर सकते हम इसे रीड नहीं कर सकते और स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वो होता है जैसे बोर्ड वेब पेज होता है यहाँ पे न्यू होते हैं यहाँ पे इम, किसी इमेजेस होते हैं यहाँ पे लॉग इन आई होती है यूजर नेम होता है यहाँ पे जो कि स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में हमें डाटा दिखता है वो स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में अनस्ट्रक्चर के फॉर्मेट में जो अनस्ट्रक्चर जो कि किसी स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में ना हो और डाटा बेस मैनेश सिस्टम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है जो कि डाटा बेस को मैनेज करता है सबसे सब पहले देखते हैं डाटा बेस क्या होता है डाटा बेस वाट इज डाटा बेस डाटा बेस क्या है डाटा बेस इज द डाटा बेस इज द डाटा बेस इज द कलेक्शन ऑफ द डाटा डाटा बेस इज द कलेक्शन ऑफ द डाटा जो कि बहुत सारे डाटा का कलेक्शन है विच डाटा वो डाटा विज डाटा इस्ट्रक्चर ए और अनस्टक्चर जो कि स्ट्रक्चर की फॉर्मेट में हो और अनस्ट्रक्चर की फॉर्मेट में हो डाटा वो है डाटाबेस क्या है इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ द डाटा जो कि डाटा का कलेक्शन है जो कि अनस्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर की फॉर्मेट में हो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है डी बी एम एस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो है इट इज़ सॉफ्टवेयर इट इज़ द सॉफ्टवेयर ये एक सॉफ्टवेयर है विश टू यूज जो हम यूज करते हैं मैनेज द डाटा जो कि डाटा बेस को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं इट इज अ सॉफ्टवेयर यह एक सॉफ्टवेयर टू यूज में यूज किया जाता है प्रयोग किया जाता है विच टू यूज यूज किया जाता है मैनेज द डाटाबेस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हम इसे यूज किया जाता है क्या डाटाबेस सॉफ्टवेयर डी बी एम एस टो डी बी एम एस को इट इज द सॉफ्टवेयर या हम कह सकते हैं इट इज इट इज द डाटाबेस टू यूज यूज किया जाता है द बेस द डी बी एम एस टू मैनेज द डाटाबेस जो कि बहुत सारा डाटाबेस है उसे मैनेज करने में हेल्प प्रोवाइड करता है इट इज़ यूज इट इज डी बी एम एस टू मैनेज मैनेज करता है डाटाबेस को और वी कैन से हम लिख सकते हैं वी कैन से डेट डी बी एम एस प्रोवाइड द हेल्प द हेल्प टू मैनेज द डाटाबेस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए प्रोवाइड करता है हेल्प हम दोबारा से देखते रिविजन है, करते हैं व्हाट इज द डाटाबेस डाटा बेस क्या है इट इज द कलेक्शन ऑफ द डाटा डाटा का कलेक्शन है विच वी मैनेज जो हम डाटा को मैनेज करते हैं डाटा डाटाबेस क्या है इट इज द कलेक्शन ऑफ द डाटा जो कि कलेक्शन है डाटा का विच वी मैनेज जो हम मैनेज करते हैं आगे चल के डाटाबेस दो पार्ट में डिवाइड है और डाटा बेस ओवन इज द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डाटाबेस डाटाबेस आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड है स्ट्रक्चर के फॉर्म में और अनस्ट्रक्चर के फॉर्म में स्ट्रक्चर के फॉर्म में जैसे हम किसी साइट का डाटा देख चेक करते हैं जैसे गवर्नमेंट का डाटा होगा किसी कॉलेज का डाटा हो गया यूनिवर्सिटी का डाटा होगा बैंक का डाटा हो गया किसी वेब पेज को विजुअलाइज करते हैं वो हो गया स्ट्रक्चर के फॉर्म में एक स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर फॉर्म में कोई लिंक होगा वेब लिंक हो गया मूवी का लिंक होगा सॉन्ग हो गया का लिंक हो गया वो होगा स्ट्रक्चर जिसे हम ना तो लीड कर सकते और ना ही समझ सकते और डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एक टूल है एक सॉफ्टवेयर है विच टू मैनेज मैनेज करता है डाटा बेस को डाटा बेस को मैनेज करने में हेल्प प्रोवाइड करता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम और डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे हमने डिफाइन किया है डाटा बेस इज द कलेक्शन ऑफ द डाटा डाटा का कलेक्शन विश स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर जो कि स्ट्रक्चर के और अनस्ट्रक्चर के फॉर्मेट जो कि किसी स्ट्रक्चर के और अनस्ट्रक्चर के फॉर्मेट में डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सि सॉफ्टवेयर या टूल हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टूल्स है जो कि टूल्स है विज टू यूज यूज किए जाते हैं टू मैनेज मैनेज करने के लिए द डाटा बेस डाटा बेस मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है डाटा विज टू मैनेज डाटा बेस डी बी एम एस टू मैनेज द डाटा बेस एंड वी कैन से डाटा बेस प्रोवाइड द हेल्प जो कि हेल्प प्रोवाइड करते हैं टू मैनेज मैनेज करने की डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने के और टूल्स कौन कौन से हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर है एस क्यू एल एस क्यू एल का सॉफ्टवेयर है एक एस क्यूएल का सॉफ्टवेयर है माई एस का सॉफ्टवेयर है और डी बी टू का है जो कि आई बी एम कंपनी का सॉफ्टवेयर है जो कि आई बी एम कंपनी है उसका सॉफ्टवेयर है डी बी टू आई कंपनी का सॉफ्टवेयर मैनेज करता है डी बी टू है और एस है ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि डाटा बेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाते हैं और आने वाली वीडियो में हम बहुत सारे देखेंगे कि डाटा बेस एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड यूजेस कहाँ पर कहाँ पर है और कहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और कौन के कितने टाइप्स के, के आ, आ, होते हैं डाटा टाइप आने वाली वीडियो में देखेंगे कंटिन्यूटी बनाए रखें थैंक यू